हेलो हेलो चलो ऑनलाइन के बच्चों आ ही रहे हैं हाँ आ बच्चों, जाओ बच्चों बैठ जाओ कहाँ भाग गया सबके सब अभी टेस्ट था क्या कौन सा टेस्ट था संडे कैसा गया हमेशा की तरह ठीक गया मतलब हाँ बैठो बच्चों पिछले टर्न पे अपन लोग कहाँ तक पहुंच गए थे हाँ नहीं 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 हाँ नंबर थ्योरी चल रही थी बस क्या तो दो तीन पॉइंट बचे थे हाँ ये नंबर थ्योरी की बात करें नंबर थ्योरी में एक तो मैंने बता दिया था नंबर ऑफ डिवाइजर बोलो हाँ एक मैंने रिजल्ट आपको समझा दिया था अरे तूने लिखा ही नहीं कुछ रिजल्ट दिगा हाँ एक मैंने रिजल्ट बता दिया था नंबर ऑफ डिवाइजर्स का बोलो हाँ

हाँ, परफेक्ट सम ऑफ ऑल डिवाइजर भी समझा दिया था बोलो हाँ आए, में आगे बढ़ते हैं, बस के है, ताकि नंबर थ्योरी का डिस्कशन कर लेंगे और डिस्कशन एक्चुअली आप लगातार करना है थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं बचा है बस ज्योमेट्री बची उसमें बेसिक ज्योमेट्री है ओके अब सब बच्चे बोर्ड पर देखें हाँ। पिछले टर्न पे अपन लोग नंबर थ्योरी पर आ गए थे और अपन ने कोई नंबर कंसीडर किया था अपन ने क्या नंबर कंसीडर किया था कुछ टू की पावर फोर थ्री की पावर और फाइव की पावर सेवन की पावर ठीक है ये नंबर कंसीडर किया था तो अपन ने इस नंबर को जब कंसीडर किया था तो अपन ने क्या क्या चीजें देख ली थी इसके अंदर अपन ने नंबर ऑफ डिवाइजर्स देख लिए थे बोलो हाँ और नंबर ऑफ डिवाइजर्स को देख लेने के बाद हम मैंने बताया था कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे और जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसके इवन नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे बोलो हाँ ये सब बातें आपने समझ ली थी उसके बाद में सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स पर आ गया था आइए उसके आगे जरा सा बढ़े सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स सारे डिवाइजर्स का सम तो सारे डिवाइस का सम मैंने क्या बताया था वो आएगा टू की पावर जीरो टू की पावर वन कहां तक टू की पावर फोर तक जितनी पॉसिबल पावर है सारी लिख दीजिए और थ्री की पावर जीरो की पावर वन थ्री की पावर टू उसके बाद फाइव की पावर जीरो फाइव की पावर वन फाइव की पावर टू सेवन की पावर जीरो सेवन की पावर वन बोल दीजिए हाँ क्या बात समझ में आई से बच्चों को अच्छा अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे मान लो मैं पूछू आपसे सम ऑफ ऑल इवेंट डिवाइजर्स इवेंट डिवाइजर्स का सम तो अगर इवेंट डिवाइजर्स का सम की बात करें तो अब अपन को टू की पावर कम से कम एक लेनी पड़ेगी तो अपन यहां लिखेंगे टू की पावर वन टू की पावर टू कहा तक टू की पावर फोर तक बोल दीजिए हाँ और बाकी सारी पावरें थ्री की पावर जीरो से थ्री स्क्वायर तक फाइव की पावर जीरो से फाइव स्क्वायर तक और सेवन की पावर जीरो सेवन की पावर वन क्या ये सब बच्चों को समझ में आया कोई दिक्कत अच्छा यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल पूछू कि जितने इसके भी ऑट डिवाइजर आएंगे का सम तो यानि की पावर केवल जीरो ही लेंगे और थ्री की पावर जीरो से थ्री स्क्वायर तक फाइव की पावर जीरो से फाइव स्क्वायर तक और सेवन की पावर वन समझ में आ रहा है सब बच्चों को अच्छा यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर 15 उन सारे डिवाइजर का सम जो कि पंद्रह से डिविजिबल है इसमें वन का मतलब पार्टिसिपेंट वन का मतलब केवल हम ही लोग हैं नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं कि पार्टिसिपेट वन का मतलब वन तो एक आपन ही हो गए ना मतलब हम ही देख रहे हैं हम ही सुन रहे हैं अलग ही जीवन का आनंद जो है मिल रहा है तो साइलेंट कर देते हैं बचता रहेगा बीच बीच में हाँ क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को बोलो हाँ चलो अब डिविजिबल बाय फिफ्टीन चाहिए तो यानी एक थ्री और एक फाइव तो चाहिए ही चाहिए तो क्या करेंगे टू की पावर जीरो कहां तक टू की पावर फोर तक लेकिन थ्री की पावर वन थ्री स्क्वायर और फाइव की पावर वन फाइव स्क्वायर और सेवन की पावर वन सेवन क्या बात समझ में आई से बच्चों को जो भी जितनी पावर चाहिए सारी की सारी आपन ले लेंगे कॉपी कर लीजिए बस दो कंसेप्ट और और चैप्टर फिनिश हाँ नंबर ऑफ डिवाइजर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर तो सारी पावरें तुमको इवन नंबर भरनी है यानी यहां क्या भर सकते हो जीरो टू और फोर यहाँ क्या भर सकते हो जीरो और टू यहाँ क्या भर सकते हो जीरो और टू और यहाँ केवल जीरो मल्टीप्लाई कर लो भाई जीरो टू और फोर तो टू की पावर भरने के तीन तरीके या थ्री की पावर भरने के दो ही तरीके जीरो या टू या फाइव की पावर भरने के भी दो और उसको एक बस क्योंकि अगर आप चाहते हो कि वो डिवाइजर परफेक्ट स्क्वायर बने तो सारी इवन पावर कितने इंटेलिजेंट हो तुम तो? क्लियर हुआ सब बच्चों बोल नहीं रहे हैं आज बहुत अच्छे हैं आप लोग कॉपी कर लीजिए बस दो और कॉन्सेप्ट आज तो मतलब गदर अच्छा रहा है अरे आपना ही है कि किसी और का लगा दिया ऑनलाइन के बच्चों <laughs> कॉपी करो कॉपी <कोफे> करो <coughs> दो और रिजल्ट बस बात बन जाएगी डरे नहीं डरे नहीं हेलो हाँ कर लिया बच्चों अरे बेटा <coughs> <coughs> माइनस नहीं हो डॉट 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 है ऐसे ऐसे कौ ब जो तेल लिखे बड़े आगे तो बढ़ना तो पड़ेगा ना अरे बढ़ जाए भैया चलिए दो और छोटे छोटे कैंसिल बताने हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखें जरा इसी नंबर के लिए एक और कंसेप्ट को देखिए बस दो छोटे कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वेज प्लीज बोर्ड पर देखिए नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी स्प्लिट एज प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर कितने प्रकार से एन को दो को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिखा जा सकता है यानी कितने प्रकार से इस नंबर को हम फैक्टर वन इंटू फैक्टर टू लिखे ताकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो सब बच्चे बोर्ड पर देखो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों फैक्टर तो और तेज कर ले क्या इसमें जो है अलग ही लेवल पर खेला है हेलो आवाज आ रही है बच्चों पहले आ रही थी आवाज लेकिन अब बेटर आ रही है ठीक है अब सब बच्चे ध्यान सुनो अब हम चाहते हैं कि F1 और F2 में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना रहे कोई भी कॉमन ना इसका मतलब है देखो और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए एन आना चाहिए अरे भाई एन को ही तो लिख रहे हैं यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए टू की पावर फोर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर ये आना चाहिए बोलो हाँ यानी ये पूरी टू की पावर या तो आप एफ वन को दोगे या एफ टू को दोगे क्यों क्योंकि अगर की कुछ पावर एफ टू को दी तो वो को प्राइम नहीं रहेंगे तो टू की पूरी, तरीके? तरीके. पूरी की पूरी पावर देने के कितने <coughs> तरीके दो तरीके थ्री की पूरी की पूरी पावर देने के दो तरीके फाइव की पूरी की पूरी पावर देने के दो तरीके और सेवन की पूरी पावर देने के दो तरीके डिवाइड बाई टू टू सीक्वीन डिवाइड कर दिया क्योंकि इनका ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस रिजल्ट को अपन ऐसे याद रख सकते हैं इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं टू की पावर पी बाई टू वेयर पी इज द नंबर ऑफ हा प्राइम नंबर्स इनवॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे यहां पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं चार तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार क्या एक को प्राइम का रिजल्ट सब बच्चों को समझ में आया अरे आया कि नहीं आया है बड़ा आसान सा तुम मेरे बच्चे पढ़ाई भी ध्यान दो तुम सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया उसको लिखने के अलग अलग तरीके मत बताएं, कॉपी करें हाँ ताकि बेटा एफ वन इंटू एफ टू ताकि तो बांट रहे थे ना तो परमुटेशन हो रहा था, लेकिन चाहे टू इंटू थ्री लिखो थ्री इंटू टू लिखो उसको एक ही कंसिडर करना है इसलिए डिवाइड बाई टू समझ में आया सब बच्चों को बोलो हाँ हाँ बढ़े आगे छाप लिया बच्चों बोलो हां एक आखिरी रिजल्ट मिटा रहे हैं इसको बढ़े आगे चलिए एक अंतिम रिजल्ट जो कि आपन को समझना है वो है सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड भी नंबर्स बने हैं उनका सम ऑफ नंबर फॉर्मड सब बच्चे बोर्ड पर देखें बहुत ज्यादा आसान सा है सम ऑफ नंबर फॉर्म जैसे मान लीजिए मैं आपको डिजिट्स बोलू ध्यान सुनना है एक बार में ही आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे जैसे मैं आपको डिजिट्स दूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इट मान लो आठ डिजिटे हैं कितने डिजिटे हैं आठ इसके अंदर अपन दो केस बनाते हैं एक बनाते हैं विद रिपीटेशन और एक केस हम लोग बनाते हैं विदाउट रिपीटेशन बोलो हां अब बिल्कुल ध्यान से सुनो अब आपसे मैं बोलूं इन आठ डिजिटों का इस्तेमाल करके सुनना है ध्यान से इन आठ डिजिटों का इस्तेमाल करके कितने फोर डिजिट नंबर बनेंगे वो तो बहुत आसानी निकाल लेंगे आप अलाउड है तो कितने फोर डिजिट नंबर बनेंगे? एट, इन्टु एट, इन्टु एट, इन्टु एट, इन्टु एट। पहली जगह भरने के भी आठ तरीके दूसरी जगह भरने के भी आठ तीसरे को भी आठ चौथे को भी अगर विदाउट रिपीटेशन की बात करें तो कितने नंबर बनेंगे आठ सात बोल दीजिए हाँ लेकिन अगर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा तो हमको आता ही है तुम्हारे चुन्नू हो चुका है मैं पूछूंगा कि जितने नंबर आप बनाएंगे उन सभी का सम निकालना है क्या मेरी बात समझ में आई अब सुनो इसका सम निकालने के लिए आलसी बच्चों बोर्ड पर देखो इसका सम निकालने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो तरीका पहले मैं आपको समझाता हूं जैसे मान लीजिए आपको वन ट्वेंटी एट टू फिफ्टी इन तीन नंबर को जोड़ना है तो इन तीन नंबर को जोड़ने का बहुत सारे तरीके हैं आप जोड़ भी सकते हैं लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको सुन इन तीन नंबर का जोड़ने का तरीका है यूनिट्स प्लेस पर सभी का समू टेन की पावर जीरो प्लस टेंस प्लेस पर सभी का सम इंटू टेन की पावर वन प्लस हंड्रेड प्लेस पर सभी का सम इंटू टेन का स्क्वायर ये दे देगा आपको इन सारे नंबर्स का सम बोल दीजिए हाँ क्या बात समझ में आ गई कहीं कोई दिक्कत पक्का समझ में आई अरे बोलो हाँ फोड़ू तो इन अब हमको कितने नंबर बनेंगे एट इंटू एट इंटू एट इंटू एट जितने भी नंबर बन रहे हैं सारे नंबर का सम मुझे निकालना है बात समझ में आई तो देखो सब बच्चे बोर्ड पर देखो ताकि कोई भी डाउट आए पूछो तो मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑल नंबर फॉर्म्ड जितने भी नंबर फॉर्म हुए सम ऑफ ऑल नंबर फॉर्म इक्वल टू सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस इनटू टेन की पावर जीरो प्लस सम ऑफ डिजिट आई टेंस टेन्स प्लेस इंटू टेन की पावर वन प्लस सम ऑफ डिजिट आई हंड्रेड प्लेस इन टेन का स्क्वायर प्लस सम ऑफ़ डिजिट एट थाउजेंड प्लेस इंटू टेन का क्यूब बोल दीजिए हाँ बोल दीजिए हाँ चुप मत रही आज बोल दीजिए बस बस अच्छा यहां तक गाड़ी पहुंची अब देखिए हम क्या करते हैं देखो इसको देखो ये एक साथ जैसे सेलेक्ट गायब क्या इधर ध्यान दो अब हमको यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का समझाइए प्लीज बोर्ड पर घूरिए एक दो तीन चार अगर यूनिट्स प्लेस पर वन रख दें, तो वन कितनी बार आएगा एट इंटू एट इंटू एट बार आएगा बोलो हां तो वन 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 वन, वन कितनी बार जुड़ेगा एट इंटू एट इंटू एट, एट बार ऐसे ही टू कितनी बार जुड़ेगा एट इंटू एट इंटू एट बार रिपिटेशन अलाउड है और जीरो का चक्कर ही नहीं है और थ्री कितनी बार बार जुड़ेगा 8 into 8 into 8 बार, यानी टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट हाँ बोल दीजिए हाँ बोल दीजिए आज सही कह रहा हूं इंटू टेन की पावर जीरो हाँ बोल दीजिए प्लस अरे तुम बैठे ही गलत एंगल पर हो तुम इधर बैठा करो कहा गर्ल्स के रूम में बैठ गए हो अपने पीछे देखो सारी गर्ल्स बैठी हुई है कोई बात नहीं मजाक कर रहा था देखो यहां पर जो लेकिन सच था मजाक तो था लेकिन सच था इधर देखो अब सच तो सच ही रहेगा अब हमको क्या निकालना है सम ऑफ डिजिटेट यूनिट्स प्लेस बोलो हाँ सही समय पर हाँ बोलना है हाँ। तो मैं जानना चाहता हूं अब यूनिट बहुत सारे नंबर बनेंगे कितने बनेंगे अरे एट इंटू एट बहुत नंबर बनेंगे तो इन सारे नंबरों में कितनों के यूनिट्स प्लेस पर वन आएगा यह हमें पता लगाना है बोलो हाँ तो कितनों के वन आएगा यहां पर वन को फिक्स कर दो बाकी को भरने का तरीका एट इंटू एट इंटू एट तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन हाउ मेनी टाइम्स एट इंटू एट इंटू एट टाइम्स फिर यहां पर अगर टू भर देते हो तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, टू हाउ मेनी टाइम्स एट इंटू एट यानी थ्री यूनिट प्लेस पर सारी डिजिटों का ये रहा बोलो हाँ अच्छा यही हरकत अपन के लिए भी कर सकते हैं आलसी बच्चों अब तो लॉजिक समझ गए होगे यहाँ वन भर दिया तो बाकी सबको भरने का भी एट इंटू एट इंटू इंट एट तो यही की यही चीज इंटू टेन की पावर वन हो जाएगी फिर यही की यही चीज इंटू टेन का स्क्वायर हो जाएगी नहीं समझ में आ रहा फिर यही की यही चीज इंटू टेन का क्यूब हो जाएगी बोलो हाँ अगर तो मैं सम ऑफ ऑल की बात समू तो आएगा एट इंटू एट इंटू एट इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट इंटू टेन की पावर जीरो टेन की पावर वन टेन का स्क्वायर टेन का क्यूब बोल दीजिए हाँ बस आंसर आ गया कैलकुलेट कर लेंगे क्या समझ में आया मैथर्ड एक मिनट रुको समझ में आ गया आइए यहीं पर फिर अच्छा रुको चलो कॉपी कर लो चलो पहले विद रिपिटेशन कॉपी कर लो फिर आगे बढ़े फिर विदाउट रिपिटेशन बताऊ आज तो मतलब ऑनलाइन में भरमार है इतने बच्चे कैसे आ गए ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं पंद्रह अगस्त इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं कॉपी कर लीजिए बच्चों ये रहा यहीं पर है सब कुछ कॉपी कर लो पूरा यहीं पर है विद रिपीटेशन वाला कॉपी कर लीजिए कॉपी लिया तेई छापे हाँ बच्चा पार्टी अब जैसे हमने विद कोई अंतर नहीं है वैसे जैसे हमने विद रिपीटेशन को कैलकुलेट किया वैसे हम कैलकुलेट करेंगे विदाउट रिपीटेशन बिल्कुल ध्यान से देखो विदाउट रिपीटेशन को अब की बार वापस से मेथड सेम है हमारा तो उसको कॉपी कर लेते हैं तो उसको कैसे कॉपी करेंगे ऐसे कॉपी करेंगे ध्यान से देखें टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाते हैं कैसे कॉफी कॉपी कॉपी लॉन्ग प्रेस आज से होगा क्या हाँ तो जैसा कि देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फायदा उठाया गया है तो सम ऑफ ऑल नंबर फॉर्म्ड यहां पर भी आ जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर फॉर्म्ड यहां पर भी आ जाएगा सेम वे में बस इसकी वैल्यू बदलती चली जाएंगी तो चलो इसकी वैल्यू बदलते हैं, करते हैं। तो का कैसे निकालेंगे एक दो तीन चार तो अगर यहाँ पर वन भर दिया तो कितनों में वन आएगा अब वन भर दिया तो इसको भरने के सात तरीके इसको भरने के छह इसको भरने के पांच तो वन बी तीन जगह टू बी थ्री बी फोर सारे के सारे अच्छा वही डिजिट सेट अगर टेंस देखोगे तो भी सेम ही निकल गया है अगर यहाँ वन भर दिया मान लीजिए तो इसको भरने के साथ छह और पांच तो वापस हर बार आएगा सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव तो यहाँ पर यहाँ पर आएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट एट तक था ना अपना इंटू टेन की पावर जीरो टेन की पावर वन टेन का स्क्वायर टेन का क्यूब अरे कहा इतना फोन करता है क्या बात समझ में आई से बच्चों को क्लियर हुआ तो ये आ गया इसका आंसर इज द लॉजिक क्लियर टू एवरी वन क्या लॉजिक सब बच्चों को बिल्कुल समझ में आया कॉपी कर लीजिए कॉपी कर लीजिए साइलेंट मार दें क्या समझ में आ गया सब बच्चों को अगर जीरो होगा तो भी अकॉर्डिंगली अपन को कैलकुलेशन करनी है बोल दो हाँ कॉपी कर लीजिए हम्म बाकी बच्चे भी कॉपी कर ले मैं समझा नहीं बात को अरे इसमें अच्छा ऑनलाइन कुछ वैसी दिक्कत है टेक्निकल एरर है टेक्निकल टीम को बताएं ऐसा नहीं मुझे तो ऑफिशियल बैंक से कॉल आ रहे थे तो टेक्निकल टीम को बोले क्या ओ भाई चल अच्छा हाँ क्या समझ में आ गया सब बच्चों को दिस फिनिशेज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो यहां पर आके परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरी तरह हो जाती है ओवर क्या एक क्लियर हुआ सब बच्चों को चलो अच्छा अभी हमारी ओवर हो गई परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए हाँ अब अपन उसका डिस्कशन कंप्लीट कर ये बच्चे शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे ऑनलाइन इनको बुलाना हाँ तो आप अपन जो है उसका डिस्कशन कर लेते हैं आ, इसका ताकि डिस्कशन भी चलता रहे अगला टॉपिक जो अपन उठाएंगे वो उठाएंगे ज्योमेट्री सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन कितने बच्चों का बचेगा बस कुछ बच्चों का बचेगा ठीक है ठीक है वो लास्ट वीक में आ जाएगा चलो ठीक है अब अपन उठाएंगे इसके बाद ज्योमेट्री लेकिन उसके पहले डिस्कशन लगातार करना है तो सबसे पहले सब बच्चे अरे जब देखो फालतू फालतू फोन करते रहते हाँ तो अच्छा आज डिस्कशन नहीं करें अरे लेकिन खत्म करो भाई ऑनलाइन बच्चों का छूट जाएगा ना कितनी चिंता है तुम लोगों को यार मतलब इधर आंखें भर आई मेरी अच्छा वो दिखाओ ये क्या दे दिया कक्षा दसवीं ब अरे भैया पतझर में टूटी पत्तिया अरे भाई साहब अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले रेंद, रेंद, यही ठीक है अपना इसके अंदर अपन भाई डिस्कशन ही नेक्स्ट टाइम पे करेंगे चलो आज ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री एक्चुअली लंबी चौड़ी नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री एकलोती ऐसी चीज है जो कि केवल टेंथ तक पूछी जाती है तो आइए लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें आपको बता देते हैं अच्छा इसके अंदर अपन ने नंबर थ्योरी ये शायद ऑनलाइन के बच्चे शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हाँ मुझे आज मुझे लगा कि अकेले एक ही बच्चा आया है नहीं नहीं मास बंक का करेंगे छोटे छोटे बच्चे एक्साइज वन का पार्ट वन अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है क्या एक्साइज वन का पार्ट वन कहां तक डिस्कस किया है बारह हो रहा था कि मैं कोई बात नहीं एक्साइज वन का पार्ट वन और एक्साइज नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कशन ही करेंगे एक्साइज वन का पार्ट वन बी प्लस और सी प्लस ए बी से बड़ा, बड़ा। ट्रैंगल के अंदर हर दो का सम तीसरे से बड़ा। इसी चीज को इन इक्वेलिटी भी कही जाती है क्या कहलाती है ये ट्रैंगल इन हर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा क्या मेरी बात समझ में आ गई से बच्चों को हर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा ट्रैंगल के एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड है डेल्टा वैसे एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है और ट्रैंगल के अंदर सेमी पेरीमीटर सेमी पेरिमीटर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं सेमी पेरिमीटर मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई तो एक ट्रैंगल का एरिया निकालने का एक हीरोन्स फॉर्मूला भी था याद आया रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये कहलाता है हीरोन्स फॉर्मूला क्या तक गाड़ी पहुंची प्लीज कॉपी कर लें खट खटखट स्टैंडर्ड फट कॉपी कर लें कॉपी कर लिया अरे समझ में आ गया सब बच्चों को ये स्टैंडर्ड नोटेशंस काइंड ऑफ है बढ़े आगे ओके ऑनलाइन के बच्चे आज तो अच्छा अब मैं कुछ कुछ चीजें समझाऊंगा इनको ध्यान से देखें वैसे सारी चीजें आपको पता हो गई सबसे पहली चीज है सेंट्रियाइड सेंट्रॉइड क्या होती है सेंट्रियाइड होता है इंटर सेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस, मेडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट और मेडियन क्या होती है मेडियन होती है लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड बिल्कुल हर एक चीज पता होनी चाहिए मीडियन क्या होती है ट्रैंगल के अंदर कितनी मीडियंस होंगी तीन मीडियन होंगी इसको और रंग बदल लेते हैं बिल्कुल ध्यान देखिए इसको इसके मिड पॉइंट से जोड़ दो बी को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दो सी को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दो बोलो हाँ तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है सेंट्रइड यहां तक गाड़ी पहुंची अगर मैं इस पॉइंट को डी कह दू अगर इस पॉइंट को ई e कह दू अगर इस पॉइंट को एफ कह दू तो ये तो वन इज टू वन का रेशियो है मिड पॉइंट को बांट रहा है यहां पर भी ये वन इज टू वन का रेशियो है और यहां पर भी ये वन इज टू वन का बोलो हाँ ट्रीड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है टू इज टू वन वर्टेक्स की ओर से देखेंगे तो सेंट्रियॉइड हर मीडियन को किस रेशियो में बांटेगा टू इज टू वन क्या सेंट्रइड की बात समझ में आई वॉट इज सेंट्रियाइड इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियं एंड वॉट इज मीडियन लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड कॉपी करिए हम्म क्लियर हुआ अरे क्लियर हुआ ओके सेंट्रॉइड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें नेक्स्ट जो चीज है वो है इन सेंटर इन सेंटर क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाई किसका इंटरसेक्शन पॉइंट एंगल बाई का देखो ध्यान से ये हमारे पास ट्रेंगल है ए बी और सी ए का एंगल बाई तो आधे आधे हो जाएंगे ए बाई टू ए बाई टू यहां से बी का एंगल बाई एंगल बाई मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करे तो यहां ये दोनों हो जाएंगे बी बाई टू बी बाई टू और C का एंगल बाई सेक्टर यहां पर ये दोनों हो जाएंगे सीवाई टू सी वाई टू तीनों एंगल बाई सेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा इन सेंटर I क्या तक गाड़ी पहुंची इन सेंटर को परिभाषित करने का एक और तरीका भी है बिल्कुल ध्यान से देखें इन सेंटर को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है ए बी और सी इसका जो इन सर्किल बनता है क्या बनता है इन सर्किल इन सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जो तीनों की तीनों साइड्स को टच करे तो ये कहलाता है इन सर्किल इन सर्किल का जो सेंटर होता है वो इन सेंटर ही होता है और जो इसका रेडियस होता है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और स्मॉल आर कहलाता है इन रेडियस क्या कहलाता है इन रेडियस इन सर्किल का सेंटर क्या होगा इन सेंटर नाम भी कनेक्टेड है इन सर्किल का सेंटर इन सेंटर इन सर्किल का रेडियस इन रेडियस स्मॉल का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरिमीटर एरिया ऑफ ट्रेंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरिमीटर क्या बात समझ में आई डेल्टा बाय एस कॉपी कर लीजिए हाँ। क्या सेंट्रॉइड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो सकता है बाकी सेंट्रॉइड का इससे कोई लेना देना नहीं सेंट्रॉइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियंस का और इन सेंटर किसका है एंगल बाई सेक्टर का आराम से देखो इन सेंटर का एक और डेफिनेशन हो सकती है इट इज सेंटर ऑफ इन सर्किल जिसका इन सर्किल बनेगा जो तीनों साइड्स को टच करेगा इन सर्किल यहां तक गाड़ी पहुंची और इसका रेडियस इन रेडियस ये फॉर्मूला है इसका एरिया ऑफ ट्रेंगल डिवाइड बाय सेमी पैरिमीटर इन रेडियस का फॉर्मूला नोट कर लें ये इन रेडियस का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेंगल डिवाइड बाय सेमी पैरिमीटर एरिया ऑफ ट्रेंगल डिवाइड बाय सेमी पैरिमीटर ये सब याद रहना चाहिए क्योंकि टेंथ बोर्ड में भी है सब तो ये सब डेफिनेशन याद रहनी चाहिए इन सेंटर इन रेडियस और ये सब प्रपंच तो गाड़ी पहुंची बोलिए हाँ बड़े आगे कभी कर लो कभी कर लो अरे ऐसे सत्तर चीजें कहां प्रूव मुझे आता है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका हाँ बढ़े आगे पक्का आओ देखें हाँ सुनना है बिल्कुल ध्यान से सुनो तो अपन ने सेंट्रॉइड देख लिया और इन सेंटर देख लिया अब हम अरे इसे क्या हो गया अब हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑल्टीट्यूड बोर्ड पर देखें ऑल्टीट्यूड क्या होती है ऑल्टीट्यूड होती है लाइन फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड लाइन फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड क्या बात समझ में आई सब बच्चों को आप ध्यान से देखें यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए से इस पर परपेंडिकुलर डालिए और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हमेशा कॉन्करेंट होंगे यानी एक ही पॉइंट से निकलेंगे और ये इंटरसेक्शन पॉइंट एच से डिनोट करते हैं और क्या कहलाता है ऑर्थोसेंटर ऑल्टीट्यूड का मतलब समझ में आ गया लाइन फ्रॉम वर्टेक्स अरे क्या क्या चीज है क्या हो गया इसमें हाँ चलो कुछ हो रहा होगा एकदम से हाँ ये अल्टीट्यूड समझ में आ गया हाँ बोलो बोलो तो कैसा भी होगा ऑप्टिव होगा तो बाहर हो जाएगा जैसे मान लीजिए ऐसा बन गया तो वो ऑर्थो बाहर आ जाएगा अब आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर फिर यहां से इस पर परपेंडिकुलर तो पीछे की ओर एक्सटेंड हो जाएगी और इसका जो ऑर्थोसेंटर होगा वो बस ट्रैंगल के बाहर आ जाएगा यहां से इस पर परपेंडिकुलर तो ये भी ऐसे एक्सटेंड होकर अगर ऑब्टूज होगा तो उस केस में जो परपेंडिकुलर डलेगी वो साइड को एक्सटेंड करके डाल देंगे बस इतना ही समझ में आया जो भी डाउट हो पूछते चलना क्या सेंटर का मतलब समझ में आ गया खट से कॉपी कर लीजिए तेज़ी छापे बच्चों एक्सपर्ट कॉपियर्स बने बढ़े आगे अरे बढ़े हाँ ऑर्थो सेंटर के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों सरकम सेंटर सरकम सेंटर सरकम सेंटर की डेफिनेशन होती है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटीरियर देखो ये हमारा ट्रेंगल है सरकम सेंटर का वर्टेक्स से कोई लेना देना नहीं होता इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे मिड पॉइंट से भी पास हो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे अच्छा एक बात तो दिखी गई होगी कि जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट वर्टेक्स कोई लेना देना नहीं इस साइड का भी ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का भी ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मेरी बात समझ में आई ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लियर हुआ सब बच्चों को अरे बोलो हां ठीक है ये कहलाता है सरकम सेंटर इसको आमतौर पर से डिनोट करते हैं सरकम सेंटर बोर्ड पर देखें सरकम सेंटर की एक और परिभाषा है सरकम सेंटर की एक और परिभाषा है आओ एक और परिभाषा को देखें सरकम सर्किल का सेंटर सरकम सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जो तीनों वर्टिक से निकलता है ये क्या कहलाता है सरकम सर्किल तो सरकम सर्किल का सेंटर क्या कहलाता है सरकम सेंटर इन सर्किल क्या होता है जो तीनों साइड्स को टच करता है और सरकम सर्किल क्या होता है जो तीनों वर्टेक्स से निकलता है सरकम सर्किल का मतलब हो गया सर्किल थ्रू ऑल थ्री वर्टिसेस तीनों वर्टेक्स से निकलने वाला सर्किल क्या कहलाता है सरकम सर्किल क्या मेरी बात समझ में आई से बच्चों को अरे आई की नहीं आई यहां तक गाड़ी पहुंचा अच्छा अब सरकम सर्किल है तो सरकम रेडियस सरकम रेडियस का स्टैंडर्ड नोटेशन कितना है आर ध्यान रखें सरकम का हर पॉइंट सर्किल के सेंटर से बराबर दूरी पर होगा सरकम का हर पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर होगा आर तो यहां से ये दूरी भी आर ये दूरी भी आर ये दूरी भी आर यानी सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स कितनी दूरी पर होते हैं आर दूरी पर सरकम रेडियस आर कहलाता है सरकम रेडियस बोल दीजिए हां सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन फोर डेल्टा सर्कम सर्किल सरकम सेंटर सर्कम रेडियस रटा हुआ होना चाहिए सरकम सर्किल सरकम सेंटर सरकम रेडियस सरकम सर्किल का सेंटर हाँ हाँ प्रोडक्ट साइड की लेंथ का प्रोडक्ट ए मतलब पहले बता दिए ना एक मतलब साइड की लेंथ बिल्कुल तो साइड की लेंथ का प्रोडक्ट तीनों की तीनों साइड आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्लियर हुआ सब बच्चों को अरे क्लियर हुआ बढ़े आगे ट्रैंगल से जुड़े हुए दो तीन और इंपॉर्टेंट बातें इधर देखो या तो ट्रैंगल एक्यूट होगा या ट्रैंगल ऑबट्यूज होगा या ट्रैंगल राइट एंगल्ड होगा बोलो हां अब सुनो सेंट्रियोइड और इन सेंटर ये दोनों के दोनों अरे गलत जगह लिख दिया रुको अरे तुम क्या बोतल से खेल रहे हो अच्छा इधर देखो यहां पर जो सेंट्रियोइड है और जो इन सेंटर है वो एक्यूट एंगल ट्रेंगल के हमेशा अंदर होता है ऑप्टूज एंगल ट्रेंगल के भी हमेशा अंदर होता है और राइट एंगल ट्रेंगल के भी हमेशा अंदर होता है कभी भी सेंट्रियोइड और इन सेंटर ट्रेंगल के बाहर नहीं होता है जबकि ऑर्थोसेंटर और लास्ट का सर्कम सेंटर ऑर्थोसेंटर और सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रैंगल के तो अंदर होगा जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रैंगल के हमेशा बाहर होता है और राइट एंगल ट्रैंगल के ऊपर होता है ये ध्यान रखना है अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो यह जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है यही होता है ऑर्थो सेंटर और जो हाइपोटिन्यूस का मिड पॉइंट है हाइपोटिन्यूस का मिड पॉइंट वही होता है सरकम सेंटर ध्यान रखना कि सेंट्रॉइड और इन सेंटर ये तो हमेशा ट्रेंगल के अंदर होंगे लेकिन ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर ये एक्यूट एंगल ट्रैंगल के अंदर होंगे ऑप्टूज एंगल ट्रेंगल के बाहर होंगे और राइट एंगल ट्रैंगल के ऊपर होंगे अच्छा राइट एंगल ट्रेंगल में कहा होंगे ये भी ध्यान रखें जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है वही हमेशा क्या बनेगा ऑर्थो सेंटर और जो हाईपोटिन्यूस का मिड पॉइंट है वो क्या बनेगा सरकम सेंटर कॉपी करें और बातें बताऊं साइंड आउट ही हो गया इसमें तो पता नहीं क्या हो गया ना अंदर ही होगा कोई भी ट्रैंगल हो सेंट्रॉइड इन सेंटर उसके अंदर ही होगा बाहर हो ही नहीं सकता मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि का विनाश हो जाएगा उन्होंने इस बार ऐसे ही ट्रैंगल बनाए हैं अरे क्लियर हुआ अरे कॉपी कर लिया ओके ट्रैंगल्स के अंदर अच्छे बोर्ड पर देखो ट्रैंगल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको याद रखेंगे हम ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन क्या ट्रैंगल के अंदर इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखेंगे ओ का मतलब ऑर्थोसेंटर जी किसका नोटेशन होता है सेंट्रियोइड का और सी किसका नोटेशन होता है सरकम सेंटर का बोलो हां सुनो ध्यान से कोई भी ट्रैंगल ले लो ब्रह्मांड के हर ट्रैंगल में ब्रह्मांड के हर ट्रैंगल में ऑर्थोसेंटर सेंट्रियोइड और सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होंगे एक ही लाइन में होंगे एंड Centroid इनको डिवाइड करेगा टू टू वन के रेशियो में देखो जी के इधर दो लेटर हैं और जी के इधर एक लेटर है बिल्कुल ध्यान रखना ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर हर ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं और सेंट्रॉयड इनको डिवाइड करता है किस रेशियो में टू वन के रेशियो में इस बात को लिखो पहले नहीं, हाँ इसके बाद कॉपी करना स्टेटमेंट तो लिखो देखो इन एवरी ट्रेंगल लिखो इन एवरी ट्रेंगल ऑर्थोसेंटर सेंट्रकम सेंटर इन एवरी ट्रेंगल ऑर्थोसेंटर सेंट्रइड एंड सरकम सेंटर इन एवरी ट्रेंगल ऑर्थोसेंटर सेंट्रइड एंड सरकम सेंटर इन एवरी ट्रेंगल ऑर्थोसेंटर सेंट्रकम सेंटर आर कोलिनियर In every triangle, orthocenter, centroid, and circumcenter are collinear. In every triangle, orthocenter, centroid, and circumcenter are collinear. And, 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 centroid divides them, and centroid divides them, and centroid divides them in the ratio 2 is to 1. एंड सेंट्रियम इन द रेशन द रेश क्या ही करें, तो, अच्छा, two two बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ब्रह्मांड का कोई भी त्रिभुज ले लें यानी ट्राइंगल ले लें तो ऑर्थोसेंटर सेंट्र के बारे में ये सारी जानकारी सब सा बच्चों को समझ में आई सरकम सेंटर क्या है सरकम रेडियस क्या है इन सेंटर क्या है ऑर्थो सेंटर क्या है ऑल्टीट्यूड क्या है मीडियन क्या है एंगल बाई क्या है और ये कब अंदर होगा कब बाहर होगा राइट एंगल ट्रैंगल के ऊपर कहाँ होगा ओ एन जी सी क्या सारी जानकारी समझ में आ गई सब बच्चों को अरे बोलो हाँ अच्छा हाँ बोल ट्रैंगल से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर देखो आलसी बच्चों उसका नाम है साइन रूल वैसे इसका यूज पी आर एमओ में आने का चांस बिल्कुल जीरो है लेकिन मैं भी किसी क्वेश्चन में थोड़ी हेल्प कर जाए क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपने कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आंसर मिलेगा आईएमओ में तो क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें क्या होता है अगर आपने कोई कैलकुलस या वैसा तरीका लगाया तो आंसर आ भी जाए तो भी वो काट देते हैं कैलकुलस हाँ जो आपका आई एम ओ है उसके अंदर इनमो है उनमें काट देते हैं सब्जेक्टिव होता है ना पेपर तो काट कामओ में भी काट देते हैं कैलकुलस या ट्रिग्नोमेट्री या ये सब नहीं लगा सकते ज्योमेट्री और एल्जेबरा ही लगानी होती है साइन रूल बड़ा सिंपल सा रूल है मे भी कभी काम कर जाए नाइनटी 99 इसका कोई यूज नहीं आएगा पी में रेयर केस में किसी सवाल में आपको इससे थोड़ी मदद मिल जाए क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है इसलिए बाकी सब्जेक्टिव होता तो मैं नहीं बताता क्योंकि अगर आप साइन रूल का यूज कर लेते तो आंसर सही आने पर भी वो उसको काट देते साइन रूल बड़ा सिंपल सा रूल है जरा देख लें बोर्ड पर ये है एंगल ए ये है एंगल बी और ये है एंगल सी बोलो हां ए के अपोजिट साइड की लंबाई स्मॉल ए स्टैंडर्ड है बी के अपोजिट साइड की लंबाई स्मॉल बी स्टैंडर्ड है और सी के अपोजिट साइड की लंबाई स्मॉल सी स्टैंडर्ड है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज आएगा बहुत ही रेयर केस है तो साइन रूल कहता है कि ए डिवाइडेड बाई साइन ए दिस साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज सेम एज बी अपॉन साइन बी इज सेम एज सी अपॉन साइन सी काइंडली डू नॉट डू एनी रिसर्च ऑन दिस बहुत रेयर केस एंड दिस इज इक्वल टू टू आर यानी सरकम रेडियस का डबल यानी सरकम रेडियस के डायामीटर यानी स्मॉल ए को लिख सकते हैं टू आर साइन ए स्मॉल बी को लिख सकते हैं टू आर साइन बी और स्मॉल सी को लिख सकते हैं टू आर साइन सी हाँ बोल दीजिए कॉपी कर लो सरकम रेडियस अरे अभी तो बताया था स्मॉल आर क्या है इन रेडियस अरे स्मॉल आर क्या है इन रेडियस इन सर्किल का रेडियस और कैपिटल आर क्या है सर्कम रेडियस यानी सरकम सर्किल का रेडियस कॉपी कर लीजिए क्लियर हुआ अरे बोल दीजिए हा अरे बढ़े आगे क्लियर हुआ तो ये साइन रूल छोटा क्या सारी की सारी बातें सब बच्चों को समझ में आई अच्छा इसके बाद तो फिर सिमिलर ट्रैंगल और वो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ा देंगे सब बच्चे ध्यान से सुनो सब बच्चे मुझे देखो ज्योमेट्री के अंदर टेंथ के ऊपर कुछ भी नहीं आता वो भी आई है इनमो में जाके एक दो थ्योरम है मेलेनियस और वो सब है वो सब आती है और वो भी बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल है मैं थ्योरम का नाम गंभीर है लेकिन वो खटाखट बच्चा भी प्रूव कर सकता है तो हल्का हल्का एम एन थे कोई दिक्कत नहीं है पी आर एमओ में और आर एमओ में ज्योमेट्री की जहां तक बात है वो सिर्फ टेन्थ तक की आएगी यानी उसके लिए एनसीआरटी ही मोर देन रिक्वायर्ड है है मेरी बात समझ में आ रही बच्चों को तो अपन नेक्स्ट टर्न पे ट्रायंगल की ज्योमेट्री और उसके नेक्स्ट टेन पे सर्किल की ज्योमेट्री कवर करेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे अच्छा ये बुकलेट सब बच्चों को मिली हुई है नेक्स्ट टर्न पे सब बच्चे लेके आना तो नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कशन करेंगे और फिर ज्योमेट्री के सवाल लगाएंगे चलिए बच्चों